लिए भी हमारे ऊपर रेलवे के द्वारा FIR किया गया था, जब एक रैप पॉइंट को हमने जाम कर दिया था और कालाबाजारी को रोकने के लिए। तो ऐसी समस्याओं से हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं। तमाम लोगों का हमको साथ है, किसानों का, मजदूरों का, स्टूडेंट्स का, खिलाड़ी का, टीचर्स का, इन तमाम लोगों का साथ है। और मुझे यह भी लगता है कि ठीक है, प्रशासन की जो भी मजबूरी रही हो, जो भी संवैधानिक कठिनाइयां रही हो, लेकिन मुझको लगता है कि किसी भी परिस्थिति में एक टीचर को ड्यूटी करनी चाहिए। तो मुझे यह भी लगा कि मैं उस जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन नहीं कर पा रहा हूं। मेरी जरूरत उस एक सेक्टर से ज्यादा ऐसे जगह पर है जहां पर कि सभी सेक्टर को हम अच्छे तरीके से मदद कर पाए, सभी के लिए हम आवाज बुलंद कर पाए। इसलिए हमने उस एक सेक्टर को रिजाइन करके एक व्यापक क्षेत्र में प्रवेश करने का काम किया। आज के पहले आप बैक टू क्विक आज से आप फ्रंट पे खेल रहे हैं, अभियान आगे भी जारी रहेगा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आपने इस्तीफा दे दिया? सर ऐसा कहते जरूर, अगर मैं अपना चुनाव मनीष कुमार सिंह अगर प्रत्याशी होते तो आपका सवाल सही था कि यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन फिर भी लोगों को तय करना होगा कि हमने एक अच्छे प्रत्याशी को अगर साथ देने के लिए अगर ऐसा किया है तो सभी लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, आप अपने 24 घंटे के रूटीन में जो आपका बिजनेस के लिए दायित्व है, आपका परिवार के लिए दायित्व है, आपका व्यक्तिगत सुख के लिए दायित्व है, तो आपका एक सामाजिक दायित्व भी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है, राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों के लिए थोड़ा सेक्रीफाई करना चाहिए। मैंने अपने पूरे कैरियर को सेक्रीफाई कर दिया इसके लिए, और अगर खुद उम्मीदवार होता तो आपका सवाल सही है, मैं एक अच्छे उम्मीदवार के पक्ष में कर रहा हूं, तो इसमें आपका यह सवाल बिल्कुल मुझे लगता है कि सही नहीं। मनीष सिंह एक सरकारी सेवक थे, उनके डायरेक्ट हुआ करते थे, अभी भ्रष्टाचार जो है जो जिला प्रशासन में हो या शिक्षा विभाग में हो, अब मनीष सिंह का क्या रोल होगा, क्योंकि अब उनका दायरा जो है समाप्त हो गया सरकारी सेवक वाला। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी इस चुनाव के बाद सिर्फ नगर परिषद के लिए ही नहीं, इस खगड़िया जिले के लिए जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जिनमें से दो समस्याएं मुख्य हैं। पहली समस्या तो अभी घर घर बिजली की समस्या से जूझ रही है, ये जो मीटर लगा करके, मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि जबरदस्ती जो प्रीपेड मीटर को सभी घरों में ठोक दिया गया है, मैं सबसे पहले जिला प्रशासन को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्या कलेक्ट्रेट में प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, क्या हॉस्पिटल में प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, क्या तमाम सरकारी विभागों में प्रीपेड